जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सा सलाम। आज हम बिल्कुल न्यू और बहुत ही इजी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, और वो है चिकन चाउमीन, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसके लिए हमें चाहिए हैं चिकन फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 चिकन क्यूब। इसके बाद हमें चाहिए हैं 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 3 to 4 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ केचप। ये सब मैंने शंग्रीला कंपनी का यूज़ किया है। इसके बाद हम जाएंगे, हमें चाहिए है चिकन एंड वेजीज। चिकन को हम बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे और अपनी सारी वेजिटेबल्स को जूलियन कट में काट लेंगे एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हम नूडल्स पे आ जाते हैं। नूडल्स हमने बॉईल कर लिए हैं। हमने यहाँ पे कोलसन का पास्ता यूज़ किया है, लॉन्ग मैक्रोनी, ये थोड़े मोटे नूडल्स होते हैं, स्पेगेटी यूज़ नहीं की एंड डालडा कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम बनाएंगे अपना स्टॉक। तो आ जाए, हम बनाते हैं अपना स्टॉक। यहाँ पे हम लेंगे वॉर्म वाटर, उसके अंदर ऐड करेंगे हम अपना क्यूब। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहें, और इसको रख देंगे साइड पे। इसके बाद हम लेंगे एक बाउल और उसमें अपनी सारी सॉसेस, स्टॉक, केचप एंड स्पाइसेस ऐड करेंगे। जी, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं अपने सारे सॉसेस। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर अपना स्टॉक, उसके बाद हम ऐड कर देंगे केचप। वेजेस में हमने यूज़ की है गोभी, कैरेट, अनियन एंड कैप्सिकम। इन सारी वेजिटेबल्स को हम जूलियन कट में काट लेंगे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं केचप, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने सारे के सारे स्पाइसेस। आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट और चिली एज़ पर योर टेस्ट है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और चाउमीन ऑर्डर करते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा सा ग्लेज और शाइन होता है, और उसकी रीज़न पता है क्या है? यही ऑयल जो हम एंड पे डाल रहे हैं, इसकी वजह से हमारी चाउमीन बहुत ही अच्छा सा शाइन आएगा। जी, तो अब हम ले रहे हैं एक पैन, इसके अंदर ऐड किया है हमने अपना जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना। जब हमें इसमें से अच्छी सी एक अरोमा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना चिकन। चिकन को हमने बड़े क्यूब्स में नहीं लिया, हमने इसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसकी रीज़न ये है कि कुक बड़ी जल्दी से रेडी हो जाए और बिल्कुल भी कुकिंग प्रोसीजर में ड्राई ना हो। जितना बड़ा चिकन का साइज़ होगा, हमें उसको उतना ही देर पकाना पड़ेगा, और उसकी वजह से चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगा, और जब हम उसे खाएंगे तो हमें हार्ड फील होगा। हमने छोटे छोटे से पीस लेने हैं चिकन के, उसको चिकन उसको हमने कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। हमने इसको सिर्फ तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन हो जाए और जो चिकन का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा और इसकी साइड्स पे हल्का हल्का ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम फौरन इसका कुकिंग प्रोसीजर रोक देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी वेजीज, और वेजीज के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इनको भी हम ओवर कुक नहीं करेंगे ताकि ये इनका कलर भी वैसे ही फ्रेश रहे और ये क्रंची भी रहें। आपको पता है चाइनीज़ कुकिंग का जो फॉर्मूला है या सीक्रेट है, वो यही है कि वो बिल्कुल भी खाने को ओवर कुक नहीं करते। हम भी अपनी वेजेस को बस स्टिर फ्राई करेंगे जब तक ये शाइनियर साइड पे नहीं आ जाती। जैसे ही हमारी वेजेस में शाइन आ जाएगी, हम इनका कुकिंग प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने नूडल्स। नूडल्स हमने 100% बॉयल नहीं करने, हमने 80 to 90% नूडल्स को कुक करना है, एंड इसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगी।
नूडल्स के लिए एक टिप है कि उनको बॉइलिंग के दौरान आप उसके अंदर सॉल्ट और ऑयल ज़रूर ऐड करें, उससे नूडल्स बहुत ही अच्छे बॉयल होते हैं और आपस में जुटते भी नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने नूडल्स ऐड कर दिए हैं और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपना सॉसेस का बाउल, जिसमें सॉसेज और स्पाइसेस और ऑयल सब कुछ ऐड है। तो हमने यहाँ पे अपनी सॉसेस और स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको बस मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। इन 10 to 15 मिनट्स में वेजेस भी कुक हो जाएंगी और उनका कलर भी ख़राब नहीं होगा और दूसरी साइड पे हमारा नूडल्स भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे क्योंकि हमने 90% कुक किए थे। इसके बाद हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे ताकि नूडल्स, चिकन और वेजेस, सॉसेस और स्पाइसेस को अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब कर लें। जी तो हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं। देखें सारी सॉसेस और सारे लिक्विड्स अब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं एंड मॉम्स आई एश्योर यू के योर किड्स गोना लव दिस रेसिपी। मस्ट ट्राई एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।